पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। हेलो फ्रेंड, अगर आप इस तरह के गणेश चतुर्थी स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया किस तरह से आप गणेश चतुर्थी स्टेटस बना सकते हैं काइन मास्टर की मदद से। लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की एडिटिंग वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से अपनी वीडियो की रेशियो ले लेना है। मैं यहाँ से 16:9 ले लेता हूँ। लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मीडिया पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं मीडिया पे क्लिक कर देता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से आपको एक ब्लू कलर की बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से एक ब्लू कलर की बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से वाइट लेता हूँ। लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये वाइट क्लियर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लू कलर आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ये ब्लू ऐड हो चुकी है। होने के बाद आपको इसकी लेंथ बढ़ा देनी है, जितना तक आप स्टेटस बनाना चाहते हैं जितनी बड़ी। तो मैं इसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। लेंथ बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग ऑप्शन पर जाना है। जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे इस ऑप्शन को ये बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसे कुछ नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कलर जो है ये कलर रेड किया हुआ है, रेडी रहने देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको यहाँ पे ये स्क्रीन पे यहाँ पे इस बॉक्स को टांगना है। तो मैं यहाँ पे एक उंगली से टांग लेता हूँ। आपको भी ऐसे एक फिंगर से ऐसे टांग लेना है। यहाँ पे टांगने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से इसे ओके कर देना है। फ्रेंड्स, ओके करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसे अच्छा सा थोड़ा सा मिडिल पे एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसे मिडिल कर लेता हूँ। मिडिल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, नीचे साइड पे आना है। नीचे साइड पे आने के बाद इसकी लेयर को आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ओवरले पे जाना है। ओवरले पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ इफेक्ट आपको ऐड करना है। तो वो सब इफेक्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो की एंड में आपको बता दूंगा। तो मैं उस इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फायर फ्लाइट, इस इफेक्ट को आपको क्लिक करना है। यहाँ से ये फर्स्ट वाला इफेक्ट आपको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ से इसे ओके कर देना है। करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इसे नीचे की तरफ टालना है। यहाँ से इसे फुल स्क्रीन आपको कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसकी लेंथ को भी आपको एक बराबर कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से क्या करना है, फिर से लेयर पे क्लिक करना है। फिर से आपको ओवरले पे जाना है और यहाँ से और इफेक्ट आपको ले लेना है। तो यहाँ से ये आप देख पा रहे हो, नो पिक्चर प्लीज़, इस इफेक्ट को आपको ऐड करना है। और ये फर्स्ट वाली इफेक्ट आपको ले लेना है। लेने के बाद इसे यहाँ से एडजस्ट कर लेना, इसे थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, फिर से ओवरले पे क्लिक करना है। और यहाँ पे और एक इफेक्ट आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके आना, आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फायर वर्क्स पार्टी, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे एंड वाली इफेक्ट आपको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पे इसे थोड़ा सा आपको इसे स्मॉल कर लेना है। थोड़ा सा इसे स्मॉल कर लेना है आपको। स्मॉल करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से इसे सेट कर लेना है। इस तरह से यहाँ से इसे सेट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फिल आउट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक डुप्लीकेट इसकी ले लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस डुप्लीकेट को इस साइड पे आपको लगा देना है। लगा देने के बाद फ्रेंड्स, इसे ओके कर देना है। ओके करके बाद फिर इसके नीचे पे इसकी लेयर आप देख पा रहे, इसे भी फुल स्क्रीन, इसे भी लेयर को आपको वीडियो के अंदर बढ़ा देनी है। नीचे ये लेयर देख पर इसकी लेयर को आपको वीडियो के अंदर बढ़ा देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, फिर से ओवरले पे जाना है। और जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पे और एक इफेक्ट आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पॉट लाइट, यहाँ पे इसे क्लिक करना है और ये सबसे रेन वाली इस इफेक्ट को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे थोड़ा रोटेट करना है आपको। रोटेट करने के बाद इस कॉर्नर पे आपको सेट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से फ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसकी भी डुप्लीकेट आपको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ फिर से आपको क्लिक करना है और इसे रोटेट करके इस साइड डुप्लीकेट को आपको लगा देना है और यहाँ से इसे ओके कर देना है और नीचे इसकी लेंथ को भी वीडियो के अंदर आपको बढ़ा देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ फ्रेम पे आप एक फ़ोटो ऐड करें हैं गणेश जी की, उसके लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मीडिया पे जाना है और जाने के बाद यहाँ से आप एक गणेश जी की फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो मैं एक गणेश जी की फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर लेता और यहाँ से इसे क्लिक करके बड़ा कर लेना। ऐसे बड़ा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है आपको, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इसे क्रॉपिंग कर लेना आपको अच्छा से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल कर आना है, आने के बाद यहाँ क्रॉपिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे क्रॉपिंग कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इसे ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये क्रॉपिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। होने के बाद अच्छा से थोड़ा एडजस्ट कर लेना है इसे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे सेंड टू बैक कर देना है और यहाँ से इसे ओके कर देना है। और उसके बाद नीचे साइड पे आने के बाद इसकी लेंथ आपको वीडियो गेम तक बढ़ा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से एक डुप्लीकेट ले लेना है। लेने के बाद डुप्लीकेट लेने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कलर फिल्टर देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट ले लेनी है। लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है लेयर पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे फ्लिकर ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओवरले पे जाना है और यहाँ से और एक इफेक्ट आपको यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माय स्टेरियस फॉग, यहाँ पे इसे क्लिक करना है। यहाँ से ये एंड वाली इफेक्ट आपको ले लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे थोड़ा डाउन करके यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 75% यहाँ पे वीडियो ऐड बन चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी सॉन्ग आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपकी ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है तो यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नीचे साइड पे यहाँ पे सॉन्ग की लेयर आ चुकी है। देखिए सॉन्ग की लेयर आ चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे आप गणेश चतुर्थी स्टेटस बना सकते हैं काइन मास्टर की मदद से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है तो ये आपकी गैलरी पे सेव हो जाएगी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरले की जितनी इफेक्ट आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, ओवरले पे जाना है और यहाँ पे आप ढेर सारी जो इफेक्ट यहाँ आई है यहाँ आपको क्या करना है, स्क्रॉल कर एकदम नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पर गेट मोर, यहाँ पर आप देख पा रहे गेट मोर ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नेट ऑन होना चाहिए, यहाँ पर नेट ओपन होगी। तो मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे ढेर सारी इफेक्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप जितने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे दी हुई जैसे जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे सबके अलग अलग से इफेक्ट यहाँ पे ओपन होगी। तो इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट आप पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक पर क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप डाउनलोड ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से यहाँ से इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और अब तक के लिए मेरे वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।